हमेशा विवादों में रहने वाली आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार अब अपने विज्ञापन को लेकर निशाने पर है। केजरीवाल सरकार के टीवी चैनल पर दिए गए विज्ञापन को बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करार दिया है। बीजेपी ने धमकी दी है कि अगर इन विज्ञापनों को तुरंत नहीं हटाया गया तो वो इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। बीजेपी के मुताबिक इन विज्ञापनों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का चेहरा नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन बार बार उनका नाम लेकर उन्हें गरीब का मसीहा बताया जा रहा है, जबकि दूसरे दल के नेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों और मीडिया को खलनायक की तरह पेश किया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का घोर उल्लंघन है। वहीं कांग्रेस ने भी आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार भ्रामक विज्ञापन के जरिए केजरीवाल के प्रचार पर सरकारी धन बर्बाद कर रही है। आपको बता दें कि इन विज्ञापन के जरिए ये बताया जा रहा है कि कैसे केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में प्रशासन में सुधार किया है। अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार के पास इतना पैसा है कि हर दो मिनट में सारे राष्ट्रीय टेलीविजन चैनलों पर, अंग्रेजी चैनल, राष्ट्रीय हिंदी चैनल, सभी चैनल्स पर, शायद रीजनल चैनल्स पर भी एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन चल रहा है, जिसमें पता नहीं 100 से ज़्यादा करोड़ की रुपए की खर्चा हो रही है। सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए आप कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, ये कहाँ तक सही है? मैं समझता हूँ जनता इस बात को देख रही है। जो वादे अरविंद केजरीवाल या आप पार्टी के द्वारा किए गए वो कोई पूरे तो हुए नहीं। खानापूरी के लिए उन्होंने बिजली के बिल कम किए और फिर बढ़ा दिए। इस तरह से एडवर्टीजमेंट जारी करके, पैसा खर्च करके एडवर्टीजमेंट जारी करके, क्या वो समझते हैं कि लोग उनसे प्रभावित होंगे? लोग प्रभावित होंगे केवल काम से। और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बरका सिंह ने आम आदमी पार्टी की सरकार के इस विज्ञापन को सरकारी पैसे का दुरुपयोग करार दिया है, और यही नहीं, उन्होंने इस विज्ञापन को महिला विरोधी भी बताया है। ये तो हमेशा से इन्होंने टॉप प्रायोरिटी में था इनकी कि हम महिलाओं की रक्षा करेंगे, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं किया। अब ये एड के जरिए भी ये महिला उत्पीड़न ही दिखा रहे हैं, तो इसको तो है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वैसे भी मना किया हुआ, इसके ऊपर कोर्ट को कार्रवाई करनी चाहिए और एड फौरन बंद हो जाना चाहिए। और वहीं आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने सरकार के विज्ञापन का बचाव करते हुए कहा है कि इस विज्ञापन से कानून का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। पार्टी आज कुछ भी करती है बीजेपी को मिर्ची लगती है, बीजेपी को तकलीफ होती है। उनका बस चले तो दिल्ली से आम आदमी पार्टी तो छोड़ दो, पूरे हिंदुस्तान से आम आदमी पार्टी को ये बर्खास्त कर दे। उस विज्ञापन की आखिरी लाइन है जो पूरा देश की जनता समझती है, हमारे अरविंद को सलामत रखना, क्योंकि हम इस बात को लेकर कन्विंस हैं कि जो नफरत बीजेपी के अंदर आम आदमी पार्टी को लेकर भरी हुई, अरविंद को लेकर भरी हुई, ये कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आज दिल्ली की जनता, देश की जनता कह रही है कि अरविंद को सलामत रखो। तो सरकारी विज्ञापन पर केजरीवाल का गुणगान है ये कह रही है बीजेपी, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस पूरे के पूरे एडवर्टाइजमेंट में कुछ भी गलत नहीं है। बीजेपी को हर चीज में जो भी आम आदमी पार्टी करती है वो खराब लगती है, और इसीलिए एक बार फिर से बीजेपी ये बात उठा रही है। तो फिर से निशाने पर केजरीवाल यहां पर है, और विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन है ये कहना है बीजेपी का और कांग्रेस का, और तमाम जो विरोधी पार्टियां हैं उनका कहना है, क्योंकि उनका कहना है कि इस विज्ञापन में केजरीवाल को गरीबों के मसीहा की तरह पेश किया गया है, और जल्द से जल्द इस विज्ञापन को हटा लिया जाना चाहिए, और अगर नहीं हटाया गया तो यहां पर बीजेपी ने कहा है कि वो कोर्ट का रुख अख्तियार करेंगी। तो फिर से एक बार अरविंद केजरीवाल निशाने पर है, और अभी जैसा कि आशुतोष जी बता रहे थे कि इस विज्ञापन की आखिरी लाइन है कि हमारे अरविंद को सुरक्षित रखना। हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि सिंह इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, इस विज्ञापन में ऐसा है क्या? इस विज्ञापन को लेकर इतना विवाद क्यों है? देखिए, ये जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये बीजेपी जो है विरोध जता रही है, लेकिन सिर्फ बीजेपी ही नहीं, स्वराज अभियान भी, जो आम आदमी पार्टी से टूट कर कुछ लोगों का जो गुट बना हुआ है, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र यादव हो, अजीत झा हो, तमाम लोग हैं,
वो लोग भी उन्होंने भी कड़ी आपत्ति जताई है और एक प्रेस रिलीज जारी किया था जिसमें ये कहा था कि ये जो विज्ञापन है उसमें अरविंद केजरीवाल उनका उनके व्यक्तिगत तौर पर यानी कि उनकी पर्सनल जो पूरी तरीके से गुणगान किया गया है, ना कि सरकार का किया गया है। और ये सरकारी विज्ञापन है जिसमें सरकार का पैसा लगा है, पब्लिक का पैसा लगा है, और सरकार का गुणगान करने की बजाय ये व्यक्तिगत गुणगान किया गया है। और इसमें बिजली के रेट कम करने की बात है, जबकि अभी 6% जो बिजली के रेट बढ़ाए गए हैं हाल फिलहाल में, जो लागू भी हो चुके हैं, तमाम ऐसे चीजें हैं जो जिस पर आपत्ति जताई जा रही है। ना सिर्फ कांग्रेस बीजेपी बल्कि स्वराज अभियान से जुड़े लोग भी इस पर कड़ी आपत्ति जता रहे हैं। रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और स्वराज अभियान के नेता प्रशांत भूषण ने भी इन विज्ञापनों पर सवाल उठाए हैं। शुक्रवार को उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ये विज्ञापन धन के भद्दे दुरुपयोग और केजरीवाल की अपरिपक्वता को दर्शाता है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ भी ये विज्ञापन है। इसके अलावा विज्ञापन महिलाओं को उनके पतियों की नौकर के रूप में पेश करता है, ये हैरान करने वाला है। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्ति पूजा को लोकतंत्र के खिलाफ करार देते हुए सरकारी विज्ञापनों में नेताओं के फोटो लगाने पर रोक लगा रखी है। 13 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा कि सरकारी विज्ञापनों में मुख्यमंत्री, मंत्री, गवर्नर समेत किसी नेता की तस्वीर नहीं लगा सकते। इन विज्ञापनों पर केवल प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और CGI की तस्वीर लग सकती है। विज्ञापनों में इन तीनों की तस्वीर तभी लगाई जा सकती है जब वे खुद इसकी जवाबदेही लेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि विज्ञापनों में तस्वीर लगाने से पहले प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और CGI की मंजूरी लेनी जरूरी होगी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि लगातार बने हुए हैं फोन पर। अब रवि के पास जाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार के इस नए विज्ञापन को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। इस विज्ञापन को लेकर बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी पर और दिल्ली सरकार पर हमलावर है। उनका कहना है कि इस विज्ञापन में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पेश किया गया है गरीबों के मसीहा की तरह, वो आपत्तिजनक है और जल्द से जल्द इस विज्ञापन को वापस लेने की जरूरत है, नहीं तो बीजेपी जो है वो कोर्ट का रुख अख्तियार करेगी। हमारे साथ हम बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। विजेंद्र जी, ये जो विज्ञापन है, बीजेपी को इससे आपत्ति क्या है? देखिए, दो बात है इसमें। एक तो ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की वायलेशन है, दूसरा ये बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है। ऐसा लग रहा है कि सरकार के पैसे का पूरी तरह से दुरुपयोग किया गया है सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्तिगत पब्लिसिटी के लिए। उसमें ना कहीं सरकार का जिक्र है, ना सरकार की किसी योजना के बारे में कोई बातचीत है। और मुझे लगता है कि ये दोनों तरीकों से कि आप सरकार के कार्यक्रम सामने लाएं तो समझ में आता है, लेकिन व्यक्तिगत गुणगान करें, व्यक्तिगत बिना किसी किसी भी संस्थागत विषय को सामने लाने के बजाय व्यक्तिगत उसको पूरा बनाकर पेश करें, ये ठीक नहीं है। ये किसी भी अभी देखिए दिल्ली भर में बोर्ड लगाए हैं उन्होंने छात्रों से संबंधित, उसमें केजरीवाल जी की फोटो लगाई हुई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की साफ गाइडलाइन है कि किसी भी नेता की या चुने हुए प्रतिनिधि की या फिर मंत्री या मुख्यमंत्री की फोटो एडवर्टाइजमेंट में नहीं लग सकती है, उसके बाद फोटो लगाई जा रही है। तो आखिर ये वायलेशन क्यों हो रहा है? क्यों सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है? क्यों व्यक्तिगत हितों को साधने के लिए सरकारी धन का इस्तेमाल किया जा रहा है? तो निजी स्वार्थों को साधने के लिए अगर सरकार के पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा, जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई को इस तरह से व्यर्थ किया जाएगा, तो हमारा इस पर कड़ा विरोध है और हम अपनी आपत्ति दर्ज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए विजेंद्र गुप्ता जी। तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का जो ये विज्ञापन है इसको लेकर एक बार फिर से बवाल हो गया है, वहीं सारी जो विपक्षी पार्टियां हैं इस विज्ञापन को लेकर हमलावर है।